हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई राइड नहीं है, आज सर्विसिंग कराना है इंटरसेप्टर की, तो इसको सर्विसिंग कराने लेके जा रहे हैं। आज इसकी सेकंड सर्विस है। गाड़ी लगभग 5771 किलोमीटर चल चुकी है, सेकंड सर्विस है। अभी तक मेरे को गाड़ी में कोई दिक्कत समझ में नहीं आई है। सेकंड सर्विसिंग होती है 10,000 में, कंपनी 10,000 बोलती है कि 10,000 के बाद होगी सेकंड सर्विस, पर कंडीशन लग नहीं रही कि 10,000 तक पहुंचेगी गाड़ी। लग रहा है कि अभी करा लेना चाहिए सर्विसिंग, 10,000 तक वेट नहीं करना चाहिए। क्या क्या चेंज होता है देखते हैं गाड़ी में। जैसे ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर ये तो कंपलसरी है, चेंज करेंगे। एयर फिल्टर की कंडीशन देख के बताएंगे हम लोग चेंज करने लायक है कि नहीं। और एक दिक्कत मेरे को समझ में आ रही है, वैसे मेजर प्रॉब्लम है नहीं, वो होता ही है, जो इसका कौन सेट है उसमें मेरे को लग रहा है ग्रीसिंग भी कराना पड़ेगी हैंडल, क्योंकि बहुत टाइट चल रहा है इसका। देखते हैं, ये भी कंप्लेंट बताऊंगा मैं, क्या बोलते हैं करते हैं कि नहीं करते ग्रीसिंग। क्योंकि हैंडल तो बहुत टाइट चल रहा है इसका, मोड़ने में पता चलता है बहुत टाइट चल रहा है। इसके जो ब्रेक पैड हैं वो भी 70-80% बचे हुए हैं, तो अभी ब्रेक पैड तो चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है। ब्रेक शू इसके लगभग 15,000 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसी चला रहे हो, ज़्यादा ब्रेक लगा लगा के चलाएंगे तो जल्दी ब्रेक शू घिसेंगे, और नॉर्मल बाइक चलाएंगे तो लंबे चल सकते हैं, 12-15,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं इसके ब्रेक शू। सेकंड सर्विस में कितना खर्चा आता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी इसमें क्या क्या चेंज करते हैं देखते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड सर्विसिंग में जो कॉस्ट आएगी इसकी लगभग 5,000 के आसपास आएगी, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर ये सब, शोरूम आ चुके हैं, ये शोरूम। सर्विस हो जाएगी, कहाँ अंदर लगा लें, यही लगा लें। सर्विस सेंटर आ चुके हैं हम लोग, अभी बाइक को वॉश कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर्विसिंग करेंगे। मैंने गाड़ी तो दिखा दी है, तो ये सेकेंड सर्विस होना है गाड़ी की। ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेक करेंगे चेंज करने लायक है कि नहीं, और हैंडल का भी देखा है इनको, हैंडल जो टाइट चल रहा है हैंडल के लिए इन्होंने बोला है, खोल के देखना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फोन सेट चेंज करना पड़ेगा।
देखते हैं क्या होता है। गाड़ी की सर्विस होने लगी है, देख रही अपनी गाड़ी, आपको यहाँ से ही दिखा सकते हैं गाड़ी, अंदर वीडियो बनाना मना है, आपको यहीं से दिखा दूंगा मैं गाड़ी क्या क्या हो रहा है गाड़ी में भी। अब चेन को टाइट किया जा रहा है, चेन टाइट करने के बाद फिर ऑयल को, पुराने ऑयल को निकाल के फिर नया ऑयल डालेंगे। ऑयल चेंज करने के लिए इसका ऑयल बोल्ट खोला जा रहा है पुराना ऑयल निकालने के लिए, फिर इसमें नया ऑयल डालेगा। प्रॉब्लम मैंने जो जो रही मैंने बता दी रही है, हैंडल पहले टाइट चल रहा था अब सही चल रहा है, और कौन सा हेड का जो प्रॉब्लम था कौन सही था कौन में अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा कौन में दिक्कत होगी इसलिए हैंडल टाइट चल रहा है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकेंड सर्विस में जो खर्चा आया है बाइक का वो है ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल डला है 3 लीटर 100 ml, वो पड़ा है 2011 रुपये का, और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है वो पड़ा है 450 रुपये का, और कुछ चेंज नहीं हुआ। टोटल जो खर्चा आया है वो है 2461 रुपये बस, बाकी कौन सा तो चेंज करना नहीं रहा। जो उम्मीद थी खर्चा आएगा 5000 के आसपास, उससे कम ही आया, अच्छा हुआ पैसे बच गए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक केयर, बाय बाय।